बताइए, बड़ा बड़ा सवाल यह है, चुनाव में चेहरा कौन होगा, सीएम इन वेटिंग कौन होगा, ये पूछ रहे हैं। सीएम इन वेटिंग कौन होगा, चुनाव में चेहरा कौन होगा? देखिए क्या है, यही तो जो नए नवेले हिंदू है ना, वो यही गलती कर जाते हैं। हम जय जय श्री राम बोलते हैं, वो जय जय कमलनाथ बोलते हैं। अरे औकात आदमी की नीचे रखो, भगवान की आसमान पर है। अरे भगवान को जय जय श्री राम बोलो, राम को जय जय श्री राम बोलो, महावीर की जय जयकार करो, गौतम बुद्ध की जय जयकार करो, गुरु नानक की जय जयकार करो, कमलनाथ की जय जयकार कर रहे हो, कमलनाथ की जय जयकार करने से थोड़ी, बोलो जय जय श्री राम, संयम संयम रखिए, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी संयमित रहिए। आप लोग समर्थक हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा से हो सकते हैं, लेकिन संयम रखिए, आप मत खोइए, बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए आप सभी, चर्चा चलने दीजिए, चर्चा चलने दीजिए। अच्छा रामेश्वर जी, एक एक निवेदन, अब मुझे ये बताइए, बोलो हनुमान जी मुझे आज की, देखिए बजरंग वाली की जय, हर हर महादेव। आप दोनों ने जय कर दिया, मुझे शांत रहिए। नहीं नहीं रामेश्वर जी, नहीं आप मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, आप सम्मानित मेहमान है हमारे, नहीं सम्मानित मेहमान है, आप मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए चर्चा जो है ना, वो किसी नतीजे पे पहुंचनी चाहिए। इस सब माहौल के लिए आपको चुनाव में बहुत समय मिलेगा, बहुत सारे मंच लगेंगे, बहुत सारे मंच आपको मिलेंगे कार्यक्रमों के लिए। रामेश्वर जी ये बताइए, आप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर लड़िएगा, मुद्दे क्या है रामेश्वर जी? अरे बैठे रहो रामेश्वर जी, अरे बैठे रहो रामेश्वर जी, आप इधर मुखातिब हैं, आप इधर मुखातिब हैं रामेश्वर जी, मुद्दे क्या होंगे रामेश्वर जी? देखिए मुझे शो वाइंड अप करना है और मेरा जाते जाते सवाल है रामेश्वर जी, आप सुन रहे हैं मुझे, आप सुन रहे हैं, शो खत्म हो रहा है, बस इतना बता दीजिए कितनी सीटें और क्या मुद्दे, कितनी सीटें क्या मुद्दे? देखिए दीदी मेरा एक सीधा, आपने जो प्रश्न पूछा है एक लाइन में आपका जवाब, एक लाइन में मैं आपको जवाब देता हूं। पहली लाइन का जवाब ये है कि हमारे जय जय श्री राम है, हमारा नेता कोई इतना बड़ा नहीं है जो भगवान के समान हो, हम भगवान के चरणों के सेवक हैं। विधानसभा चुनावों में भी हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप दोनों मेहमानों से हमारे साथ मंच पर बने रहिए। रामेश्वर जी आप